बड़े अधिकारी का फोन आया है, मेरे पास आया है, बोले हैं कि 10 दिनों के अंदर आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन आश्वासन सिर्फ फोन पे मिली हुई है, लिखित तौर पर नहीं मिली हुई है। तो पता नहीं कि आश्वासन ही रह जाएगा या क्या होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना आश्वासन मिली है कि 10 दिनों के अंदर में मनीष प्रशांत की जो दिक्कत हो रही है उसको पूरा किया जाएगा। और मेरी माँ को आपने देखा ही होगा कि हाँ राजपाल से मिलने गए थे और उन्होंने स्वागत रूप से राजपाल जी ने मेरे आत्मवासन को माना और आगे फॉरवर्ड भी किया है और उन्होंने कार्रवाई करते हुए महामंत्रण को मानते हुए और उसने आगे कार्रवाई भी की है। तो ये भी मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी मेरे भाई हैं, सभी आप बड़े भाई होंगे, चाचा होंगे, पापा होंगे, माँ होंगे, आंटी होंगे, तो आप लोग के समक्ष भी इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए हम आपको सामने आपको बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी जाने के लिए। मैं तो सब में लगता है कि मैं सबसे छोटा भाई हूँ और आप सभी को देखकर मैं सबसे हो रहा हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि छोटा सा मरीज का जब छोटे से गांव से महानवा डोली जैसे गांव से जो चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ है, फिर भी उस गांव से आता है और पूरे बिहार पूरे देश में दिलों में बस जाता है। ऐसा कुछ ना कुछ जरूर किया होगा ताकि दिलों में सबके राज कर रहा है। हर गरीब, हर मजदूर, मैं चीज बोल रहा हूँ, मजदूर जो मजबूर है वही आज मजदूर है, उसी की आवाज मेरा भाई हर जगह जाके और कंपेयर कर रहा है कि हमारे बिहार में क्यों नहीं विकास हो पा रहा है, हमारे बिहार में क्यों नहीं रोजगार मिल पा रहा है। आखिर ये बिहारी दूसरे राज्यों में क्यों रोजगार ले लेते हैं और वही बिहार में रोजगार क्यों नहीं मिल पाता है। यही बात को लेकर चला और धीरे धीरे पूरे बिहार की नाकामियों को दिखाता गया और कुछ लोगों की आंखों में चूक गई और आज वो जेल में है। लेकिन कोई बात नहीं है, अब ठान ही लिया है कि एक बिहार को इस सही मार्ग से लाना, समृद्ध बिहार लाना, जो 1992 से पहले 205 राज्य आती थी वैसी राज्य को बनाना। तो चलो, परिवार भी तुम्हारे साथ है और पूरे बिहार के लोग भी तुम्हारे साथ हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ संदीप पारी जी का, चंद्रवंशी जी का, अंतु भैया का, प्रिंस जी का, जो अगर मेरे ना रहने के भी इतने अच्छे से सारे मेंटेन किए और इतने लोगों को संबोधन किए और हम पुलिस की आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाने की कोशिश की है। इन लोगों को फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है आपके। मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि आप मेरे माँ के कोख से पैदा हुए नहीं हुए हो, मैं उससे भी हुए हो, लेकिन हाँ तुम इस सच्चे भाई और सच्चे अभिभावक के रूप में आप आती हो, कल भी हो, हमेशा रहोगे। आपका कर्जदार हमेशा मनीष कश्यप और उसका परिवार हमेशा रहेगा। अब आते हैं मनीष कश्यप से। देखिए, मीडिया में सारे लोगों ने दिखाया, सबसे लास्ट में मनीष कश्यप ने दिखाया कि बिहार के मजदूर तकलीफ में है, लेकिन किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ मनीष पे कार्रवाई होती है। आप लोग भी अपने ऊपर दिल से हाथ रख के उनको सोचो। बहुत सारे नेता लोग ट्वीट किए, आरजेडी से लेके लोजपा से लेके पप्पू यादव जी से लेके सबने ट्वीट किया, यहाँ तक चिराग पासवान जी ने वहाँ पे जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। बहुत सारे ऐसे नेताओं ने बोला, लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ इकलौता कार्रवाई होती है मनीष कश्यप से। अगर मैं मानता हूँ कि अगर मनीष दोषी था तो सारे पे कार्रवाई करना चाहिए था, जो लास्ट में दिखाता है उसकी कार्रवाई होती है, जो पहले दिखाता है उसमें कुछ भी नहीं होती है। चलो मान लेता हूँ विकल्प खबर है, फिर हर जगह क्यों बिहारी एक गाली समान बन गई है? कभी महाराष्ट्र में, कभी असम में, कभी नागालैंड में ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोग भी सुनते हैं। जब से मैं जन्म लिया हूँ तब से हजारों घटनाएं से सुना हूँ। आखिर क्यों नहीं हम लोग सबक लेते हैं? आखिर हम लोग सबक क्यों नहीं लेते हैं? हम बिहार को मजबूत बिहार क्यों नहीं बनाते हैं? यही एक तमिलनाडु राज्य थी, जब महाराष्ट्र में उनके नाम से एक पार्टी बन गई, उनको भगाया गया, तमिलनाडु ने सीख लिया कि मुझे समृद्ध तमिलनाडु बनाना है, और आज सबसे ज़्यादा फैक्ट्री कहाँ है? तमिलनाडु में। तो हम बिहारी क्यों नहीं सीख लेते हैं? आखिर क्या हमारे में कमियाँ है? क्या हम पढ़ाई में कमी है? क्या दूसरों में कमी है? कुछ सीखने में कमी नहीं है, बस हम जाति पाति धर्म इसी में बैठे हुए हैं। मैं भी कुछ बिहारी हूँ, मैं भी बेटिया जी हूँ, और मैं पढ़ाई क्या कहाँ से किया,
उनमें से पढ़ाई किया, रोजगार कहाँ किया उनमें में रोजगार किया, स्वास्थ्य का लाभ कहाँ उठाया उनमें में। आखिर मैं अपने मुखिया को, अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने मुख्यमंत्री को वोट क्यों देता हूँ जब उस लायक है ही नहीं। जब मुझे वोट देना है अपने मुखिया को, अपने मुख्यमंत्री को, अपने विधायक को, अपने सांसद को, तो मैं रोजगार करने दिल्ली क्यों चाहता हूँ। हाँ, मेरी भी गलतियाँ थी कि मैं उनके आंखों में आंखें डालकर नहीं पूछा, लेकिन एक मनुष्य का शब्द था, उसके जिगरे में दम था कि उसने आंखों में आंखें डाल के पूछा कि मुझे रोजगार क्यों नहीं मिल रही है, मेरे बिहारी भाइयों को रोजगार यहाँ पे क्यों नहीं मिल रही है। आखिर चुनाव आते आते आप लोग इतने बोलते कि इतने रोजगार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं आखिर बिहार के लोग बिहारी क्यों पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज आप भी एक बार गूगल करके देखना, इस राज्य में बिहारी नहीं है, हर राज्य में छोटे से छोटे छोटा सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा में भी 37,000 बिहारी लोग काम करते हैं। ऐसा क्यों भाई, हमारा 13 करोड़ की आबादी, वहाँ पे 33 लाख की आबादी क्यों? तो हम लोग को सोचना होगा, हम लोग सबसे पहले जाति पार्टी धर्म को छोड़ के एक समृद्ध बिहार को बनाने की कोशिश करना होगा। चलिए अब तो इस लायक बोले ना कि मैं भी नहीं, क्योंकि मैंने भी कभी इसकी आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन जब परिवार में पड़ी तो मुझे भी आना पड़ा, मुझे भी दुख लगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, हम मेरे परिवार की आवाज़ बनी है, लेकिन मनीष पैदा हुआ है हमारे परिवार में, हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा में, हमारे लोकसभा में, हमारे हमारे भारतवर्ष में, तो उसकी आवाज़ बनी है। जब तक आप आवाज़ नहीं बनेगा तब तक मनीष ही रह जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आवाज़ बनिए। और मनीष जैसा की बात करें तो एक